सीबीआई ईडी की रडार पर मायावती और अखिलेश, राज्य में हुए चीनी मिल और खनन घोटाले, बीजेपी ने शुरू की जांच। अखिलेश यादव बोले, यूपी में जेल में चल रहे अपराधियों के काले धंधे, बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था बदहाल। सपा के गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी खड़ी कर रही है अपनी यादव सेना, यादव बिरादरी के युवाओं पर नजर। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई जारी, आजम खान को भू माफिया घोषित करने के लिए प्रशासन को दिए गए सख्त आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी के अभिलेखों में हेराफेरी करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ FIR, सुरक्षा अधिकारी का बेटा गिरफ्तार। साक्षी मिश्रा के विधायक पिता राजेश मिश्रा बोले, ज्यादा परेशान किया तो पत्नी के साथ आत्महत्या कर लूंगा, साक्षी ने कर लिया है प्रेम विवाह। साक्षी मिश्रा का पति करने वाला था दूसरी लड़की से शादी, कर्ज लेकर पिता ने करवाई थी सगाई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की निगाह अब सपा बसपा के बुनियादी मतदाताओं पर, पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त आदेश। डॉक्टर वेदांति ने कहा, दुनिया की कोई ताकत नहीं बनवा सकती राम जन्मभूमि पर मस्जिद, हर हाल में बनेगा मंदिर। यूपी में विश्व हिंदू परिषद युवाओं महिलाओं को दिलाएगा रोजगार, प्रदेश में तैयारियां हुई तेज। यूपी की जेलों में अफसरों के मोबाइल पर भी लगी पाबंदी, DG जेल का आदेश, जल्द हो आदेश का पालन। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9 जिलों में DM बदले, 26 IAS अफसरों का तबादला। प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के पुराने मामले में 2 अफसरों को मिली क्लीन चिट। योगी से जुड़े 2 मामलों में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 16 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। यूपी के जेल मंत्री बोले, अधिकारियों को परेशान करने के लिए अपराधी करते हैं वीडियो वायरल, जल्द होगी कार्रवाई। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संगम पर जनजीवन प्रभावित, पानी में डूबे कई घाट। लोकसभा चुनाव में हार के बाद हर विभाग के खर्चों में कटौती कर रही कांग्रेस, सूत्रों ने दी जानकारी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा, संविधान और देश को बचाने के लिए खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा का 2 दिवसीय रांची दौरा आज से, आगामी विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।